हिमाचल प्रदेश की ऊना में एक पेंटर अपनी बचत से कोरोना के विरुद्ध जंग में शहर भर में वॉल पेंटिंग कर लोगों को जागरूक कर रहा है। अपने बचत के पैसे से हरभजन नाम का ये पेंटर अभी तक 24 वॉल पेंटिंग कर चुका है। इन पेंटिंग्स के जरिए वो लोगों को जागरूक करने के साथ साथ डॉक्टर, नर्सिस और सफाई कर्मचारी और मीडिया का भी अभिनंदन करते हैं। हरभजन की इस जंग में उनका 8 साल का बेटा भी साथ दे रहा है और पेंटिंग पर हाथ आजमाता है। वहीं पेंटर की पत्नी भी मास्क बनाकर फ्री में लोगों को बांटती है। पीएम आवास योजना में मकान के लिए मिली सहायता के बाद पेंटर का परिवार पीएम मोदी से खासा प्रभावित है। अपनी वॉल पेंटिंग में अलग अलग नारों के साथ हरभजन कोरोना के विरुद्ध सजग रहने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इन्हीं वॉल पेंटिंग्स के जरिए वो कोरोना के विरुद्ध जंग लड़ रहे डॉक्टर, नर्सिस, पुलिस, सफाई कर्मचारी को भी धन्यवाद कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। इस पेंटर की माने तो कोविड के विरुद्ध जंग में अपनी कला के माध्यम से पीएम मोदी का साथ देकर देश के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। हरभजन का घर पीएम आवास योजना के तहत बना था, जिसके बाद वे पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1.5 लाख रुपया सेंक्शन किया था। मैंने उसी दिन से जो मन बना लिया कि मेरा अगर मोदी जी ने घर बनाया है तो मैं भी देश के लिए कुछ कर सकूँ, तो मेरा 1.5 लाख रुपया मजदूरों की मजदूरी निकली तो मैंने सोचा जी मेरा बचा है। लॉकडाउन हुआ जी, कोरोना के बारे में हमारे नरेंद्र मोदी जी इतनी संकट के घड़ी में हमारे लिए बचाव का कार्य कर रहे हैं, हर एक सुविधा दे रहे हैं, तो मेरे पास एक कला थी, मैं उसके माध्यम से देश की जनता को बचाने के लिए जागरूकता अभियान कर रहा हूँ। तो इसमें जो लागत आ रही है, जो पैसा लग रहा है, कितना पैसा लगा और इसमें किस तरह की सहायता मिल रही है या आप खुद कैसे कर रहे हैं इसको, जो पैसा खर्चा रहा है? मेरे मन में आया था, मेरे कार्डी के पैसे थे जी, जान है तो जहान है, कोई साथ तो जाएगा नहीं, तो मैंने उस पैसों से जी खुद से रंग लिए, खुद से ये सारा खर्चा करके ये सभी काम कर रहा हूँ। तो कितना खर्चा आ चुका? 24 दीवारें लिखती, एक दीवार में 1500 रुपये का खर्चा आता है जी। आप जे जो स्लोगन और जे जो नारे लिख रहे हैं, जे आपको कहाँ से इसकी प्रेरणा मिलती है? मैं जैसे टीवी देख रहा हूँ, अखबार देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ मुझे दिमाग में आ जाता जे नारा, तो मैं उसके माध्यम से जे लिखाई का काम करता हूँ जी। कला ही कलाकार को जन्म देती है जी। तो देखा गया कि आपका छोटा बच्चा भी साथ में है। बाबू जी लॉकडाउन है, जैसे आजकल ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो मेरे साथ ये बहुत मदद करता, पानी कोई चाय कोई रंग पकड़ा कोई भी काम करने के लिए जो साथ में आ जाता बच्चा। ये जो बेटा जो आपका जबरदस्ती आता है, इसके मन में भी इसके मन में बहुत शौक है जी पेंटिंग का। मेरी बेटी है वो 13-14 साल की है, उसके मन में भी बहुत पेंटिंग का ये है, तो मैं कोई भी काम करता हूँ इसको बहुत खुशी होती है कि मेरे पापा ये काम कर रहे, तो ये साथ आ जाता जी। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लॉकडाउन का पालन नहीं करते? मैं यही कहूंगा जी, जो प्रशासन है हमारे डीसी साहब संदीप कुमार जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी प्रशासन की आज्ञा का पालन करें, वो हमारे लिए ही जो संकट की घड़ी में हमारे बचाव के लिए आगे आ रहे हैं जी। पुलिस कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, डॉक्टर है, नर्स है, मैं सभी को सलूट करता हूँ। छुट्टियों का ऑनलाइन काम आता है ना, तो करके मैं पापा के साथ काम करवाने लग पड़ता हूँ, और चाय ले आना, कभी पानी, कभी रंग पकड़ाने लग पड़ना, ऐसा काम करता हूँ। तो आपको कैसा लगता है जब आप ये काम करते हो? बहुत अच्छा। कौन सा नेता अच्छा लगता है आपको? कौन सा नेता अच्छा लगता है? क्या कुछ कहना चाहोगे नरेंद्र मोदी के लिए? अपने पीएम के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? नरेंद्र मोदी कोरोना को भगाना है, देश को बचाना है, और उचित दूरी को अपनाना है, और सैनिटाइजर से हाथ धोने हैं, और मास्क लगाना है। हमारा जो घर है जो प्रधानमंत्री आवास योजना से बना है सर, और जो मेरे हस्बैंड है वो पेंटिंग बना के जो लॉकडाउन में जागरूकता कर रहे हैं, जो बीमारी आई हुई है इससे, तो मैं घर पे बैठी हूँ, मैं मास्क बना रही हूँ, मैं इससे लोगों का वो कर रही हूँ कि मैं इस बीमारी से बचा जाए, इसका ये मास्क दे, मैं फ्री में दे रही हूँ, जो आता हमारे घर में उसको दे रही हूँ, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड जी ऐसा काम कर रहे हैं, लोगों को पीछे पेंटिंग बना के जागरूक कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मैं गरीब परिवार से संबंध रखते हैं हम सारे परिवार,
तो ऐसा हम प्रधानमंत्री का पोस्ट से वो करते हैं, हमारी है कि हमारा मकान बना कि वो, वैसे तो हम ऐसा ध्यान। हाँ जी, ये जो प्रेरणा दूंगी तो इसके पीछे जो खर्चा आता है तो वो कहाँ से आप बियर करते हैं इसको? ऐसे तो चलो कोई बात नहीं है, डॉक्टर चला हुआ है, जैसे सेफ रखे हुए थे वो हम खर्चा उसी से चला रहे हैं घर का। तो वैसे भी लोग इसमें काम तो है ही नहीं है वैसे भी, तो फिर हो जाता टाइम पास तो थोड़ा बहुत इधर उधर से। ये जो पेंटिंग पे खर्चा आता है या ये मास्क बनाने पे खर्चा आता है, ये कहाँ से आप बियर करते हैं, कैसे करते हैं? ये मेरे आरडी के थोड़े पैसे आने थे तो आ गई, ये चलो भगवान की दया से ना तो आने थे, आगे मैंने सोचा मैं भी घर पे बैठी मैं भी ऐसा काम कर लू, तो मेरे हस्बैंड ने कहा करो आप, चलो ठीक है दुनिया बाहर जाके पेंटिंग बनाते हैं तो मैं घर में बैठी मास्क बनाती हूँ।